हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ लॉरेंस फोर्स। ठीक है, लॉरेंस फोर्स, ये फोर्स का जो नाम है ये रखा गया है एच ए लॉरेंस के नाम पे। अभी फोर्स है क्या कि सपोज यू हैव द चार्ज क्यू, ठीक है, और ये मूव कर रहा है इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो टोटल फोर्स होगा ना, इस टोटल फोर्स को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, ठीक है। सो लॉरेंस फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लॉरेंस फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये दोनों फील्ड होने चाहिए। ठीक है, दोनों फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। सो देन वी विल हैव नेट फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे जो ये फोर्स है एफ बी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, इट इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। ठीक है, इट इज क्यू इन टू ई। ठीक है, दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको निकालना है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो दैट वाज गिवन बाय दिस लॉरेंस। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है, ये एक प्लेन हो गया और इसके परपेंडिकुलर में और एक, ये एक दूसरा प्लेन हो गया। ये दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि आपका ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है और ये डायरेक्शन जेड एक्सिस है। ठीक है, और एक चार्ज है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो एफ बी है, एफ बी इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इज द फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है एफ बी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, दिस फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक, अच्छा, दिस फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी
परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे अगर ये वी है तो ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका वी कॉस थीटा, और अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगा वी साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा तो बी के डायरेक्शन में है और वी साइन थीटा बी के साथ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बी जो अलोंग एक्स एक्सिस है, वी साइन थीटा अलोंग जेड एक्सिस है, तो मतलब ये वाला आपका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हो गया। करेक्ट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ बी प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। तो ये सारे कंडीशन अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है एफ बी प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एफ बी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को अगर वन लिखते हैं तो एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अभी आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि यहां पे मैंने वी क्रॉस बी लिखा है ना, यहां पे मैंने वाई नॉट इट इज एफ बी इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस वी मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी क्रॉस वी भी वी बी साइन थीटा हुआ, यहां पे तो मेरे पास बी वी साइन थीटा था। बट देखो यार, यहां पे जो ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये तो यार एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो इट इज ऑब्जर्व दैट जो उसके ऊपर फोर्स आता है ना, वो फोर्स इट इज अलोंग वाई एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है। ठीक है, तो जो एफ बी का डायरेक्शन है, एफ बी इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वी एन बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एन बी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो एफ ई इक्वल टू हमारे पास था क्यू ई। ठीक है, एफ बी इक्वल टू हमारे पास हो गया क्यू वी क्रॉस बी। तो इसका मतलब जो लॉरेंस फोर्स होगा, लॉरेंस फोर्स, देखो ये जो फोर्स है ये है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और लॉरेंस फोर्स जो है इट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ इज इक्वल टू हो गया क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। सो एफ इक्वल टू हो गया क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक, सॉरी दिस फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स, फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखो ये इससे तो हम लोग का पहले जान पहचान हो चुका है, बट हमको नया एक्सप्रेशन क्या मिला है ये। ठीक है, तो नया एक्सप्रेशन को थोड़ा और अच्छे से जान पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नया एक्सप्रेशन, अब देखो पहली चीज नंबर वन, फॉर क्यू इक्वल टू जीरो एफ बी इक्वल टू जीरो, मतलब अगर अनचार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड वोंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, एनी फोर्स। ठीक है, नंबर टू,
फॉर वी इज इक्वल टू जीरो, एफ वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ पे वी अगर जीरो हो गया तो एफ भी जीरो हो गया, मतलब चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर थ्री, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन था ये था एफ बी, इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो इसको जगह क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, तो अगर थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो गया या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो दोनों ही केसेस में आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो साइन थीटा अगर 0 हो गया तो इसका मतलब एफ बी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल मूव, थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या है, देखो ये वी था, ये वी है और इधर हम लोगों ने बी लिया था, दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 अगर हो रहा है तो इसका मतलब वी और बी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर थीटा 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो हो रहा है बी इधर होगा, वी इधर होगा, मतलब चार्ज चार्ज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वोंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, वोंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का, तो एफ बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, ठीक है। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो इसका मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज इक्वल टू एफ बी एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वर्क डन 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन अगर 0 है तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है मतलब इसका मतलब क्या है कि स्पीड, पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल डोंट चेंज व्हाइल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, उस पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है, मगर फोर्स तो एक्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स तो 0 नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि फोर्स 0 है, वर्क डन 0 हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, फोर्स न्यूटन बाबा ने क्या बोला था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये एफ बी है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, तो यहां पे तो एफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, फोर्स तो एक्ट कर रहा है क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक
तो फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन फोर जीरो नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। ठीक है, तो अब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन कब होगा, हेलिकल मोशन कब होगा, वो हम लोग एक दूसरे वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में मेन चीज कॉन्सेप्ट क्या है कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्या है, लॉरेंस फोर्स क्या है, ठीक है। लॉरेंस फोर्स काम क्यों नहीं करता है, वर्क डन क्यों जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज नहीं होता है, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेड टू मतलब डेफिनेशन ऑफ टेस्ला। देखो हम लोगों ने क्या लिखा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। सो वन टेस्ला इज इक्वल टू वन न्यूटन डिवाइड बाय वन कूलम, 1 मीटर पर सेकेंड, साइन 90 डिग्री, करेक्ट। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फील्ड व्हेन चार्ज ऑफ वन कूलम मूविंग विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ वन टेस्ला, ठीक है। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है आपका कि वर्क डन क्यों जीरो हो रहा है, ठीक है। ये दिस इज अगेन फॉर 1 मार्क, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ सकते हैं, एग्जाम में एक बार आया था कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा अगर पार्टिकल मतलब मूव कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता बट वर्ड यूज किया था नॉन इन्फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो चेंज इन, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि वर्क डन आपका जीरो हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है, तो ये दोनों केसेस में होगा, मतलब चाहे बी यूनिफॉर्म हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, या फिर बी नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस केस में तो वर्क डन जीरो होना ही है, ठीक है। तो चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही केसेस में वर्क डन जीरो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जीरो, ठीक है।